अभी हम दरभंगा जिला के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय में हैं, जहां जो है तो यहां से बाढ़ की स्थिति और बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन देख लीजिए कि इस ऑफिस में अभी 3 बजने वाले हैं, लेकिन 11 कर्मचारी हैं कार्यालय में पदस्थापित, लेकिन देखने को मिला है मात्र 3 से 4 कर्मचारी पाए गए हैं, जिसमें एक अकाउंटेंट बाबू अपने कार्यालय में सोए हुए अवस्था में देखे गए। अब हम आपको दिखलाते हैं कि इस कार्यालय की क्या हालत है, जहां से जिले की बाढ़ का नियंत्रण किया जा रहा है। आदमी ने कही 6-7 आदमी देख लीजिए इस कार्यालय में कितने लोग थे। अभी ये बाबू साहब अभी तुरंत पधारे हैं, ये 3 बज चुका है और अभी ये आए हैं। देख लीजिए स्कूटी साहब का कार्यालय देख लीजिए। स्कूटी साहब से बात करने पर पता चला कि स्कूटी साहब फील्ड में, बतलाते हैं कि फील्ड में हम हैं। उसके बाद ये कार्यालय में व्यवस्था में पाए गए हैं, इनका भी देख लीजिए कि क्या हालत है। 12 कर्मचारी लगभग बतलाए जा रहे हैं, सभी कर्मचारी कि लंच का समय है, जबकि लंच का समय 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ही होता है। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसा है, ये कार्यालय शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण ये लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं। ये भी कार्यालय में देख लीजिए कि ये बाबू साहब बाहर थे, अभी जस्ट आए हैं। यहाँ क्या तो है, आप क्या हैं यहाँ? हम ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर हैं, क्या नाम हुआ आपका? रमन कुमार है। डेली बेसिस पर तो इस कक्ष में कितने कर्मचारी बैठते हैं फरदी जी? उनको पता है इसलिए सब आपको नहीं पता। आप कार्यालय इसका मतलब नहीं आते हैं? हम तो अभी बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए इस कार्यालय में, कितने लोग बैठे हैं? सब डिवीजन है, हम लोग डेली बेसिस स्टाफ है, ठीक है, समझिए। लेकिन इसका इस कक्ष में कितने लोग बैठते हैं? कैसे पता होगा, हम तो खुद हैं अनएम्प्लॉय। यहाँ कोई आप नहीं, आपके अलावा कोई नहीं बैठते हैं प्रतिदिन? सब गए होंगे साइट पर, गए होंगे साइट पर। इनका कहना हुआ ये कार्यालय में, कार्यालय बाबू को तो साइट पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन इनका कहना हुआ कि कार्यालय के कर्मी जो है तो साइट पर जाते हैं, जबकि यहाँ वर्ग सरकार है, जूनियर इंजीनियर है, उन लोगों को साइड में जाना। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी इस कार्यालय में मात्र 2 कर्मचारी मुस्तैद है, बाकी सभी कुर्सी देख लिया जाए कि खाली है। ये शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, इस कार्यालय को कोई देखने वाला नहीं है, जिसके कारण जो है तो इस कार्यालय में लोग फरार पाए जाते हैं। बड़ा बाबू भी यहाँ से गायब है, बड़ा बाबू भी अभी तक नहीं है, देख लिया जाए कि बड़ा बाबू का कुर्सी खाली है। इसके बाद आप देख लीजिए कि जितने भी कुर्सी है कर्मचारी का है, लेकिन एक भी कर्मचारी यहाँ पर मुस्तैद नहीं है। दरभंगा से समाचार प्लस के लिए गुड्डू राज के साथ देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।